गुड़गांव में नगर निगम एरिया में लगातार अवैध होर्डिंग का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार नकेल कसने के लिए एक टीम गठित की गई है, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से 350 होर्डिंग लगाने की जगह सुनिश्चित की गई है, जिसकी नगर निगम की तरफ से परमिशन भी दी गई है। लेकिन शहर में लगभग सैकड़ों की तादाद में अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे नगर निगम को मिलने वाले रेवेन्यू में भी होर्डिंग माफियाओं की तरफ से चूना लगाया जा रहा है। देखिए, अगर हम एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के पास ये अधिकार है कि इसके अधीन जो क्षेत्र आता है उसमें कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट या रिलेटेड एक्टिविटी किसी को करनी है तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बायलॉज 2022 के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत हम परमिशन दे भी रहे हैं। हमने अभी जो है हमारा पिछले साल से ऑनलाइन एक पोर्टल हमने शुरू किया है, तो उसकी इंटेंट यही है कि लोगों को जो घर बैठे वो चाहे तो अपना अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और विद इन जो है आरटीएस टाइम उनको सुविधा मिल सके। इस चीज को हम कोशिश करेंगे कि शहर को एक अच्छा जो है साफ सुथरा शहर हम बनाएं, और अगर किसी को परमिशन लेनी है तरीके से लेके और जो हमारे गवर्नमेंट को रिवेन्यू भेजना है। अवैध होर्डिंग पर नकेल कसने के लिए निगम की तरफ से एक सर्वे टीम भी हायर की गई है, जो अवैध होर्डिंग की लिस्ट तैयार कर निगम को सौंपती है। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुग्राम के कई बड़ी सड़कों पर अवैध होर्डिंग लगाकर लाखों रुपए अवैध होर्डिंग माफिया कमा रहे हैं, जिसकी वजह से नगर निगम को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि सभी अवैध होर्डिंग को हटाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम से नीरज अंबाप्ता की रिपोर्ट।